गुड मॉर्निंग, आई एम इमरान सर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस सी ए फैमिली। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमें क्या दिया है देखते हैं। टू कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक orderly and logical way। अब बुक कीपिंग क्यों करते है? इसका हमें देखो, इस सवाल का जवाब इस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में मिलने वाला है। क्यों करते है? क्योंकि जो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, कंप्लीटली और एक्यूरेटली क्या करते हैं बच्चों, रिकॉर्ड करते हैं। ओके, कंप्लीटली और एक्यूरेटली क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो भी सिस्टमेटिक ऑर्डरली एंड लॉजिकल वे में। सिस्टमेटिक मतलब क्या, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसे मिक्स नहीं करना है। ओके, सिस्टमेटिक मतलब होता क्या है, हमारे तरफ परचेस का ट्रांजेक्शन है, सेल्स का ट्रांजेक्शन है, कुछ और एक्सपेंसेस पेड या इनकम रिसीव्ड का ट्रांजेक्शन है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है इसको मिक्स नहीं करते, हर ट्रांजेक्शन को सेपरेटली हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एकदम सिस्टमेटिक वे में। उसके बाद ऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्डर मतलब 1, 2, 3, 4, ये जो ऑर्डर है सीक्वेंस के हिसाब से हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, और लॉजिकल, अकाउंटिंग की एक ब्यूटी आपको हमेशा ख्याल में रखना है, क्या अकाउंट में दो साइड होते हैं बच्चों, डेबिट और क्रेडिट। इसमें एक लॉजिक होता है, जितना इफेक्ट डेबिट साइड में होने वाला है उतना ही इक्वल इफेक्ट क्रेडिट साइड में होता है। तो ये एक लॉजिक है, एक ये टेक्निक है, आप इसको मैजिक भी बोल सकते हो, क्योंकि एक टेक्निक है ऐसी, आप जब प्रैक्टिकल में इसके सम सॉल्व करोगे तब आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा। ओके, तो आपको बस इतना ख्याल में रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग करने का, वो क्या है कि जो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको हम कंप्लीटली और एक्यूरेटली क्या करते हैं बच्चों, रिकॉर्ड करते हैं। उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम बुक कीपिंग करते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, गॉट इट? देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, टू प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस ऑफ द बिजनेस। इस बात पर आप थोड़ा सा और फोकस करना बच्चों, हम बुक कीपिंग क्यों करते हैं, बुक कीपिंग करने के पीछे रीज़न क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, कि जो हमारे तरफ जो रिकॉर्ड होता है वो परमानेंट रहना चाहिए। ओके, जो बुक कीपिंग करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मोटो क्या है, कि जो हमारे तरफ रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड हमारे तरफ परमानेंट होना चाहिए। उसके साथ और जो बुक कीपिंग है उसका हम एविडेंस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। एविडेंस बोल के यूज़ करना मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो प्रॉब्लम होने के बाद अगर आपके तरफ हर टाइप का रिकॉर्ड अच्छी तरीके से रिकॉर्ड है, तो आप वो रिकॉर्ड को शो करके आप कंपनी के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम बुक कीपिंग करने के पीछे हमारा दूसरा मोटो क्या है, कि जो रिकॉर्ड है उसको परमानेंटली रखना भी है, और उसको समय समय पर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो एविडेंस बोल के उसका यूज़ करना है। ओके, इसलिए भी हम बुक कीपिंग करते हैं। ओके, टू एसर्टेन द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड। अब नंबर थ्री ऑब्जेक्टिव में हमें क्या बता रहे हैं, क्या हम बुक कीपिंग क्यों करते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग से हमें ये बातें पता चलती है, बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, बुक कीपिंग करते हैं। ओके, अब प्रॉफिट या लॉस फाइंड कैसे करते हैं, ये सवाल आपके दिल में आया होगा। तो बच्चों, आपके सिलेबस में जो लास्ट चैप्टर है उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि प्रॉफिट फाइंड कैसे करते हैं या लॉस फाइंड कैसे करते हैं। ओके, तो आपको अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये पता करने के लिए भी हम बुक कीपिंग करते हैं। ओके, अब उसके बाद फोर नंबर में हमें क्या बताया गया है, टू कीप अ रिकॉर्ड्स ऑफ टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अब ये एसेट्स क्या होता है सर, लाइबिलिटीज क्या होता है, ये बातें तो हमें पता नहीं है। डोंट वरी, अभी आपको पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, आने वाले समय में आपको हर बात पता चलने वाली है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें हमें हर बात अच्छी तरीके से समझाई गई है, बस अभी हमारे जो वीडियो है, आने वाले वीडियो में आपको समझ में आएगा कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है,
और ट्रांजैक्शन भी क्या होता है, मुझे याद है। ओके, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ट्रांजैक्शन पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। तो जो बिजनेस के टोटल एसेट्स होते हैं या टोटल लायबिलिटीज होते हैं, हमारे तरफ बिजनेस में कितने टोटल एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, ये भी हमें कैसे पता चलता है, हम जो रिकॉर्ड करते हैं उस पे से। और रिकॉर्ड हम कायमें करते हैं बच्चों बुक कीपिंग में, इसलिए भी हमें बुक कीपिंग करना होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ कितना है ये हमें बुक कीपिंग के सिवा समझ नहीं सकता, पता नहीं चल सकता, इसलिए हमें बुक कीपिंग करना पड़ता है। ओके, अब उसके बाद सेकेंड लास्ट में हमें क्या बताया गया है, टू कीप और रिकॉर्ड ऑन अमाउंट ऑफ बिजनेस ओन्स टू अदर, मतलब क्या, कितना देना है। मैंने देखो एकदम सिस्टमेटिक वे में आपके लिए यहाँ पर लिख के रखा हूँ, आपको समझ में आएगा। एंड द अमाउंट रिसीवल बाय द बिजनेस फ्रॉम द ऑदर्स, मतलब कितना लेना है। सबसे पहले बुक कीपिंग से हमें और एक बात पता चलती है कि हमें किसको कितना देना है और किसी से कितना लेना है, ये जो बातें ये भी हमें पता चलनी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं बुक कीपिंग करते हैं, इसलिए बुक कीपिंग करना होता है। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि किसको कितना देना है, किससे हमें कितना पैसा लेना है, ये बातें हमें पता चलनी चाहिए, इसलिए बुक कीपिंग करते हैं बच्चों। ओके, सिंपल वे में ये जो नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव है उसका मीनिंग आप ऐसा ले सकते हो कि किसको कितना देना है या किसी से कितना लेना है, ये समझने के लिए हम क्या करते हैं बुक कीपिंग करते हैं। ओके, अब जो लास्ट है, लास्ट थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लो, उसके बाद हम स्टॉप करते हैं। इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस विथ प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस। बुक कीपिंग का करने का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, ये थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से समझ लो। बुक कीपिंग करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमने लास्ट ईयर में जो एक्टिविटीज़ किए उस एक्टिविटीज़ को करंट ईयर के साथ क्या करना, कंपैरिजन करना। कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो उस पर से हमें समझ में आएगा क्या करंट ईयर में ये काम करना ज़रूरी है या नहीं है, नेक्स्ट ईयर में वो काम करना ज़रूरी है या नहीं है। ये जो बातें हम कंपैरिजन से डिसाइड कर सकते हैं, उस पर से डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए भी हम बुक कीपिंग करते हैं। सो बेसिकली ये जो 6 ऑब्जेक्टिव हमने देखे, 6 ऑब्जेक्टिव हमने इसमें देखे, हर ऑब्जेक्टिव आपको आपके जो दिल में सवाल है उसका जवाब दे रहा है। बुक कीपिंग क्यों करते हैं, कंपनी में बुक कीपिंग करने का इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो आपके दिल में सवाल है उसका जवाब शायद ही आपको आज इस वीडियो में मिल गया होगा। और होप सो अगर आपको आपके दिल में के सवाल का जवाब मिल गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको जो ये 6 ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके दोस्तों में भी शेयर करना।